अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हैकिंग को लेकर राष्ट्रपति बराक ओबामा सख्त हैं। ओबामा ने इसके लिए रूस पर कड़ी कार्रवाई कर जवाब दिया है। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रूसी खुफिया एजेंसियों और इनके शीर्ष अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए और 35 अधिकारियों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने वॉशिंगटन स्थित रूसी दूतावास और सैन फ्रांसिस्को स्थित वाणिज्य दूतावास से 35 राजनयिकों को निकाल दिया है। इनको और इनके परिवार को 72 घंटों के भीतर अमेरिका छोड़ने के लिए कहा गया है। इन राजनयिकों को अपनी राजनयिक स्थिति के प्रतिकूल ढंग से काम करने की वजह से अस्वीकार्य घोषित कर दिया गया है। ओबामा ने कहा कि अमेरिका के मैरीलैंड और न्यूयॉर्क में स्थित 2 रूसी सरकारी परिसरों तक अब रूस के लोगों की पहुंच नहीं होगी। साइबर हमले के मामले में ओबामा प्रशासन ने यह अब तक का सबसे सख्त कदम उठाया है। बराक ओबामा इन दिनों हवाई में छुट्टियां मना रहे हैं। ओबामा ने एक बयान में कहा, सभी अमेरिकियों को रूस की कार्रवाई को लेकर सजग होना चाहिए। इतना ही नहीं, ओबामा ने रूस की 2 खुफिया सेवाओं GRU और FSB के खिलाफ प्रतिबंध लगाया है। GRU का सहयोग करने वाली कंपनियों को भी प्रतिबंधित किया गया है।